रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस बात से तो आप सभी अवगत हैं कि हर एक मनुष्य के जीवन में कई सारे परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों के चलते मनुष्य को कभी ढेर सारी खुशियां मिल जाया करती हैं, तो कभी ऐसा भी समय आता है जब उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन परिवर्तनों की मुख्य वजह हमारे ग्रह ही होती हैं, क्योंकि ग्रहों की चाल से ही हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में दोस्तों, इस बार एक विशेष संयोग बना है, जी हाँ, जिसमें कि कुछ राशियों को अब लाभ होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोस्तों राहु और केतु पूरे 600 वर्षों के पश्चात अब खुश हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि राहु और केतु को छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष की दुनिया में इन दोनों ही ग्रहों को पापी ग्रह भी बोला जाता है। इन दोनों ग्रहों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के साथ उसी के अनुसार अपना प्रभाव देने लगते हैं। कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब कुंडली में इनका प्रभाव शुभ प्राप्त होता है। वैसे तो आमतौर पर हम राहु केतु का नाम सुनते ही कांप जाते हैं, क्योंकि इनके प्रभाव से हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार इस बार पूरे 600 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि राहु और केतु इस बार कुछ राशियों से प्रसन्न हुए हैं, जी हाँ। और अब साल 2023 में राहु और केतु इन राशि वाले लोगों के ऊपर राहु और केतु की सबसे ज़्यादा कृपा बरसने वाली है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर ये राशियाँ कौन सी हैं जिन पर राहु और केतु अपनी कृपा दृष्टि अब डालने वाली हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहली जो राशि है वह है तुला राशि। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इस बार तुला राशि के लोगों पर राहु केतु की कृपा बनेगी, जिससे इन राशि वालों का आत्मविश्वास उच्च शिखर पर रहेगा। तुला राशि के लोगों को अपनी सकारात्मक सोच से अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित ये लोग करेंगे। साथ ही साथ आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भी इस दौरान सुनहरा अवसर मिल सकता है। इस दौरान आपको बस एक बात का ख्याल रखना है कि साझेदारी में आप कोई भी काम ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, और जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको निश्चित ही सफलता हासिल होगी। दोस्तों, बताना चाहेंगे अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए भी आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इस बार राहु केतु की मेहरबानी भी इस राशि के लोगों पर बन रही है। और अगर आप अपने परिवार से दूर रह रही हैं तो आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका इस दौरान मिल सकता है। निवेश के लिए भी ये अच्छा समय है, आपको इस दौरान धन लाभ भी हो सकता है। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अगली जो राशि है वो है मेष राशि। जी हाँ, इस बार मेष राशि के लोगों पर भी राहु केतु काफ़ी मेहरबान रहेंगे। इस राशि के जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस दौरान उन्नति मिल सकती है और अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। इस राशि वालों के लिए सारी चीज़ें इनके हक में रहेंगी। व्यापार से जुड़े मामलों में भी इस राशि के लोगों को सफलता मिलेगी। धन आगमन की भी संभावनाएं बन रही हैं। दोस्तों, बता दें कि अगली राशि है सिंह राशि। जी हाँ, सिंह राशि के लोगों के लिए आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन इनके साथ एक परेशानी ये आएगी कि अपने गुस्से की वजह से ये अपना नुकसान भी करा सकती हैं।
इसलिए दोस्तों अपने गुस्से पर आप काबू रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप अपने जो भी फैसले हैं वह सोच समझ कर लीजिए, जल्दबाजी में कोई भी फैसला आप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों बता दें कि अगली जो राशि है धनु राशि। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि धनु राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर राहु और केतु महाराज अब मेहरबान होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन की तमाम परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। जो व्यक्ति व्यापारी हैं वे अपने व्यापार के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति करेंगे। इस राशि वाले व्यक्तियों को जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। घर परिवार में आपकी सुख शांति बनी रहेगी। धन से संबंधित सभी परेशानियां आपकी दूर होंगी। दोस्तों बता दें कि अगली जो राशि है वह है कन्या राशि। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि कन्या राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर राहु केतु महाराज की कृपा दृष्टि की वजह से आपके द्वारा की गई कोशिशों से आपको लाभ मिलेगा। आप अपने जीवन में तेज़ी से सफलता अब हासिल करेंगे। विशेष तौर पर जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में हैं उनको अपार सफलता मिलने के योग अब बन रही हैं। प्यार के मामले में आप लोग तेज़ी से प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में खुशहाली अब दस्तक देने वाली है। दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगली जो राशि है वो है मकर राशि। जी हाँ, बता दें कि मकर राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर भी राहु केतु महाराज की कृपा दृष्टि लगातार बनी रहेगी, जिसकी वजह से अपने जीवन में ये लोग नई नई सफलताएं प्राप्त करेंगे। इस दौरान परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। राहु केतु की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपके जीवन की सभी समस्याएं और कठिनाइयां दूर होंगी। दोस्तों बता दें कि अगली जो राशि है वह है मीन राशि। जी हाँ, बता दें कि मीन राशि वाले व्यक्तियों पर राहु केतु की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से जो व्यक्ति विदेश में कार्य कर रहे हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में किए गए प्रयास आपके सफल होंगे। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आपका आने वाला समय बहुत ही अब शुभ रहने वाला है। दोस्तों बता दें कि अगली और अंतिम राशि है कुंभ राशि। बता दें कि कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर राहु केतु प्रसन्न हो रही हैं, जिसकी वजह से ये अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। यदि आपका कहीं धन रुका हुआ है तो आपको वापस मिलने की संभावना बन रही है। राहु और केतु की कृपा से आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। समाज में आप अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।